तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि अपना नेक्स्ट वेपन रोल कौन सा होने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा 100% गारंटी के साथ बताऊंगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक वॉच करें। हाँ, स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर हाँ, आखिरी में जो चीज़ बताने वाला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को मतलब उससे मत हटाना, क्योंकि आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाओगे तो जो आखिरी में बताने वाला वो नहीं सुन पाओगे। फिर बोलोगे भाई तू ऐसा ऐसा बोला था और ऐसा हुआ, तो ऐसा प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक वॉच करेगा और बीच में इसको छोड़ के मत जाएगा। ओके गाइस, तो चलो सीधा आपको दिखा देते हैं कि कौन सा अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल होने वाला है। ओके गाइस, तो मैं आपको कन्फर्म करके पूरा दिखा देता हूँ कि कौन सा नेक्स्ट वेपन रोल होने वाला है। आप देख सकते हैं दूसरा सर्वर है, ऐसा नहीं है कि मैंने फेक उस पर स्टिकर्स लगा दिए, जो मतलब एडिटिंग होती है वो नहीं किया है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ अपने मतलब लक रोल में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ वेपन रोल। पहले ये डायमंड रोल है और ये अपना गोल्ड रोल है, फिर आ जाता है अपना ये, ठीक है, फिर दूसरे सर्वर में अलग अलग तरीके से आया, फिर अपना इंक्यूबेटर, आ जाता है अपना वेपन रोल। तो गाइस, आप देख सकते हो जो अपना कॉड शायद यही मैं सही बोल रहा हूँ शायद आप लोग के हिसाब से भी, जो अपना ये कॉड है ये गाइस आने वाला है। यस गाइस, ये कॉड जो अपनी स्किन है, ये कॉड की स्किन आने वाली है। मतलब आप इसे देख सकते हैं कि कितना तबाही स्किन है गाइस, आप इसे देख सकते हैं, हाथ में पकड़ देखिए क्या लग रहा है, इतनी लंबी गन है, मैं क्या बताऊँ इसको, AWM से भी लंबी गन है मेरे हिसाब से। आप लोग भी जानते हो कि कितनी लंबी गन है, मतलब इतनी तबाही गन दिख रही है ना गाइस कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसको। मतलब पूरा जूम करके आप इसे देख सकते हैं, मतलब कॉड की इतनी तबाही, ये गन की स्किन जो दिख रही है ना, इतनी अच्छी गन की स्किन है कि मैं आपको क्या बताऊं यार। आप देख सकते हैं इसे, इसका रेट ऑफ फायर ये सब की क्या है, कुछ जो भी एट्रीब्यूट्स है इसका मैं बता देता हूं आप लोग को। तो गाइस, इसका एट्रीब्यूट्स है आपको मैं दिखा देता हूं, इसका मतलब एट्रीब्यूट्स है यार, इसका एट्रीब्यूट्स है अपना डबल डैमेज 1 है, ठीक है, और रेंज डबल है इसका, डैमेज 1 है मतलब डैमेज डबल नहीं है, तो डैमेज 1 है, रेंज डबल है इसका, और रिलोड स्पीड 1 मतलब एक माइनस है। तो गाइस, इसका रिलोड स्पीड जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ जो इसका डैमेज एक प्लस हुआ है वो सही है, और जो अपना रेंज है वो सही है, तो ये दोनों के हिसाब से ये सही है। पर ये कॉड की स्किन गाइस मुझे इतनी तबाही लग रही है, मैं क्या बताऊँ। इसके साथ साथ कुछ अलग भी आइटम, तो ये नहीं देखना, हमें कॉड की स्किन ही देखने हैं, ठीक है, कॉड ही साथ बोलते होंगे तो देख लीजिए गाइस क्या बोलते होंगे। तो मतलब इतनी तबाही स्किन लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ गाइस। हाँ, रुक जाइए, अभी स्किप मत करना, और मतलब वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को जो बात बताना ना फिर आप लोग उसे सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो गाइस, ये वाला स्किन देख चुके, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये अपनी स्किन है वेपन रॉयल की ये वाली, ठीक है, जो अपना ये वेपन रॉयल है, देखिए मैं आपको 100% नहीं बोलूँगा, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ यही बात है कि ये 99% चांस है आने के, और 1% चांस है, मतलब 1% चांस नहीं है, ठीक है, तो मतलब 99% चांस है कि आ सकता है, और 1% गाइस तो गरीना का मूड चेंज होगा तो वो जाने अब तो, पर दूसरे हर सर्वर में यही आ रहा है, तो गाइस तो मैं आपको यही इसलिए बता देता हूँ कि हर सर्वर में यही आ रहा है, तो शायद अपने इंडिया सर्वर में यही आ सकता है, पॉसिबल आने का, पूरा 100% नहीं, 99% चांस है कि यही आएगा। यस गाइस, यही 100% नहीं, पर 1% नहीं है चांस कि नहीं आएगा, पर 99% यही चांस है कि यही आएगा। और गाइस हाँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो अपना ये नेक्स्ट फेडरेड विल लकी विल है, शायद अपने इंडिया सर्वर में भी ऐसी कुछ करके आ सकता है, मतलब इंडिया में अभी तक आया नहीं है, तो इंडिया में आ सकता है ऐसा मतलब फेडरेड लकी विल, ठीक है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि गाइस मैं आपको ऐसी हर अपडेट देते रहता हूँ। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।